देशात दुसरे आणि महाराष्ट्रात प्रथमच HM मोटर्सच्या माध्यमातून हिरो मोटरसायकल आणि स्कूटर सर्व्हिस आपल्या दारी ही अनोखी सेवा सुरू झाली असून त्याचा फायदा सर्व मोटरसायकल धारकांना होणार आहे. त्यामुळे गाडी मालकांचे वेळ, पैसा आणि पेट्रोलची बचत होणार आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा निश्चितच होणार आहे. यावेळी झोनल सर्व्हिस हेड दिनेश खंडेलवाल, HO स्ट्रॅटेजी अँड प्लॅनिंग विभागाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक अजय रैना, व्यवस्थापक आशिक धोंडियार, HM मोटर्सचे मालक मनोज सूचक, सुनील सूचक, CEO हर्षल सूचक, CEO सिद्धार्थ सूचक, जिनल सूचक यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना झोनल सर्व्हिस हेड दिनेश खंडेलवाल यांनी सांगितले की प्रायोगिक तत्वावर ही सेवा सुरू केली असून एकावेळी 15 ते 16 गाड्यांचे सर्व्हिसिंग आणि इतर छोटी मोठी कामे करण्यात येणार आहेत. सदर गाडी ही त्या ठिकाणी जाऊन ही सेवा देणार असल्याने त्याचा फायदा गाडी मालकांना होणार आहे. तसेच आगामी काळात ही सेवा जास्तीत जास्त देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हमारा उद्देश्य है कस्टमर के नज़दीक पहुंचना, हमारी सर्विसेज उनके घर तक पहुंचे. उसी उद्देश्य से ये मोबाइल सर्विस वैन बनाई गई है ताकि हम मुंबई और मुंबई के रूरल एरिए में जहाँ जहाँ पे हमारी सर्विस उपलब्ध नहीं है वहाँ वहाँ पर पहुंचा सकें. अभी आज की डेट में आपको पता होगा सारी गाड़ियाँ जो है वो BS6 गाड़ियाँ हैं जिसको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है. तो इस वैन से हम कस्टमर के नियर तक पहुंचेंगे. यहाँ पे 2 रैम का वर्कशॉप है, सारे टूल्स इक्विपमेंट है जिसमें वॉशिंग हो सकती है, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रहेंगे इसके अंदर में, और क्लीनिंग, एडजस्टमेंट, लुब्रिकेशन सारी फैसिलिटी रहेगी. हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो व्हीकल में लगता है, उसको हम लैपटॉप के माध्यम से अपडेट करेंगे सर्विस के दौरान. तो ये जो सर्विसेज है वो गाँव-गाँव तक पहुँचाएँगे और हमारा उद्देश्य है हीरो के जो भी कस्टमर्स हैं उनको तकलीफ़ नहीं हो. दूर दूर से जो आते हैं वर्कशॉप में, हम उनके घर तक ही सर्विस प्रोवाइड कराएंगे. और ये 2 रैम का वर्कशॉप है तो इसमें लगभग दिन की हम 10 से 12 गाड़ी सर्विस कर सकते हैं. तो हमारे जो स्प्लेंडर के ग्राहक हैं, HF के ग्राहक हैं, स्कूटर के ग्राहक हैं, और आज की डेट में हम प्रीमियम में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन तक हम पहुँच जाएंगे इस सर्विस के माध्यम से. सर, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में रूरल एरियाज़ है, अभी 14 तहसील क्षेत्र है, तो इस डिस्ट्रिक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कितनी गाड़ियाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत होंगी? तो अभी शुरुआत में 1 रख रहे हैं क्योंकि अभी ये नया कंसेप्ट है, 2-व्हीलर में पहली बार हम लेके आए हैं. लेकिन जैसे जैसे अगर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हम इनकी गाड़ियों की संख्या बढ़ाते रहेंगे. और हमारा उद्देश्य सर्विस केवल एक कॉल पर, ये हमारा उद्देश्य है फ्यूचर में. तो एक बार अगर एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी आती है हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेंगे.